हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई एक नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। जो हमको न्यू बाइक लेना है, जा रहे हैं उसी बाइक के लिए आज, क्या बोलते हैं, बाइक के शोरूम पे। अभी ये सरप्राइज़ है आप लोग के लिए कि कौन सा बाइक है और कौन से कंपनी का बाइक है। क्या करते हैं, चलते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना और बताना ज़रूर। तो अभी तो आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, अभी हम रिवील नहीं करेंगे कि कौन सी बाइक लेंगे कौन सी नहीं लेंगे। देखो आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, तब तक क्या कर रहा हूँ, आप गेस कर सकते हो कि कौन सी बाइक आने वाली है और कौन सी कंपनी की है। हम जो कह रहे थे, क्या बोलते हैं, वो तीनों आप लोग को बताए थे कि R15 और KTM और बजाज पल्सर RS 200, तो इन तीनों को छोड़ के भाई कोई बाइक आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग गेस कर लोगे। तो अभी वही चल रहे हैं बस घर से, और टाइम बताना चाहें तो करीब घर से निकले थे तो 3:25 मिनट टाइम हो रहा था और 4 बजे तक लास्ट बैंक खुला रहता है। तो जाएंगे और वहीं बैंक में पहले चलते हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं बैंक में, और बैंक में से पैसे निकाल के फिर चलेंगे एजेंसी पे। और यार आप लोग से एक बात बता दें यार, देखो क्या है ना, बाइक तो देखो नई बाइक के लिए जा तो रहे हैं, और एक नया हेलमेट भी बहुत जल्द यार लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसका वाइज़र जो है ना, देखो ऐसे अभी ओपन किया है ना, देखो अपने आप गिर जा रहा है, देखो ओपन है अभी, ज़रा सा भी कहीं हंसकी पड़े गिर गया। तो ऐसा इसके साथ वाइज़र के साथ होता है, तो परेशान कर देता है इसका वाइज़र। रुक जाओ चचा, इसका वाइज़र परेशान कर देता है। मान लो गाइस अभी किसी से भाई कोई पूछता हो या कुछ पूछता है, मतलब भाई यार गियर इसका अटक गया, कसम से यार भाई पैसन एक्सटेक हीरो प्लीज़ यार इम्प्रूव करो यार इसको, एक्सटेक में गियर अटक रहा है भाई आपके। ये हम पहली बार नहीं, बहुत बार वीडियो में बता चुके हैं कि गियर अटकता है भाई। छोड़ो ये सब, छोड़ते हैं और बात करते हैं अपना की। तो देखो भाई सीन ये है कि भाई हेलमेट बस चेंज करने की सोच रहा हूँ भाई, वाइज़र का यार यही थोड़ा दिक्कत दे रहा है, वाइज़र ओपन नहीं रहता है, प्लस हेलमेट भी यार स्टड का है, वो 500-600 वाला हेलमेट ही है, बस चलान से बचने वाला, जो चलान से बचता है ना आदमी, वो वाला हेलमेट है। तो इसीलिए भाई एक बढ़िया हेलमेट ISI या डॉट पता नहीं जो भी प्रूफ रहता है, वो वाला एक हेलमेट लेंगे। और बात करते करते आप लोग से देखो हम बैंक पे भी आ गए, तो बैंक तो खुला है, अभी गाड़ियां लगी हैं, चलते हैं इसके अंदर। बैंक में तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो कहीं पर बंद करते हैं रिकॉर्डिंग और फिर मिलते हैं आप लोग से पैसे निकालने। 20 minutes later। तो भाई देखो अभी क्या है, फाइनली बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, अब निकाल के चल रहे हैं वहाँ पे, एक बार साफ कर ले लेंस इसका। तो चलते हैं गाइस, पैसे निकाल लिए यहाँ पे बैंक से, चेक से निकालना था, अब चलते हैं एजेंसी पे, देखते हैं। और आप लोग भी अभी तक अगर गेस नहीं किए हो तो कमेंट कर दो यार एक, जिससे कि हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। गेस करके बस बता दो कि कौन सा बाइक लेने जा रहा है, देखते हैं कितने लोग का कमेंट सही निकलता है, कितने लोग सही गेस करते हैं। अगर जो भी सबसे पहले गेस करेगा भाई, सीरियसली कह रहे हैं, उसके कमेंट को पिन कर देंगे हम, बस जो भी गेस कर देगा सबसे पहले तो, और सही गेस करेगा तो बस यहाँ से 2 किलोमीटर है, 2 या 1.5 किलोमीटर है एजेंसी, चलते हैं वहीं पे एजेंसी पे, लोग को दिखाते हैं एजेंसी बाइक कौन सा लेना है और कौन सा नहीं, तो चलते हैं अभी। तो देखो ये रहा TVS का बाइक, और एक आदमी लेके ही जा रहे हैं TVS का बाइक, और उस दिन हम आए थे तो इन्हीं वाले भाई से बात हुआ था मेरा। तो अभी आ तो गए एजेंसी पे, बस बाइक थोड़ा सही जगह लगा दें, यहीं पे लगा देते हैं क्योंकि रोड है ना उधर से, ये सब बाइक है। अब देखते हैं फिर इनमें से कौन सा वाला लेना है। ये अपाची का है, कितना है, 160 है ना, इसमें भी इसका सर्विस सेंटर शोरूम भी है। वही मैडम सुबह फ़ोन की थी मेरे पास, देखते हैं अभी कौन किस पे दिल जाता है, जिस पे दिल जाएगा वही वाला लेंगे, ये वाला बाइक। चलते हैं अभी बात करते हैं, फिर मिलते हैं, मिलवाते हैं आप लोग से भी, और बाइक का भी बताते हैं कौन सा बाइक लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। तो बस बने रहो वीडियो में और ऊपर ही चलते हैं, ऊपर भी बहुत सारा बाइक है इधर।
मिनिमम कितना डाउन पेमेंट उसमें हो सकता है? इसके नाम से नाम से तो खैर गार्जियन के नाम से ही लेंगे। तो क्या करते हैं काम? काम कुछ नहीं करते हैं। मिनिमम फिर कंसर्न आप ही बताइए, और कुछ इनकम प्रूफ होता है उस पर डाउन पेमेंट कम हो जाता है। जैसे बिजनेस मैन ITR में देता है, सैलरी वाला आदमी सैलरी से देता है। मिनिमम कितना रहेगा वो बताइए ना, फिर उसके हिसाब से अपना बताएंगे। अरे 3 या 4 दिन पहले हम आए थे यहाँ पे, आता दिन 25-30 हज़ार तक हो जाएगा। हाँ अच्छा, अगर 40,000 मिनिमम डाउन पेमेंट बढ़ते हैं, अगर 3 साल का कराते हैं तो मंथली कितना EMI आएगा उसका? हो जाएगा। क्या हुआ? नंबर है आपके पास? हाँ नंबर, हाँ नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो गाइज आए थे यहाँ पे एजेंसी पे, और क्या है कि एक्चुअली थोड़ा जो भी बाइक देखना था बाइक देख लिए हम, अब चल रहे हैं घर पे। क्या है कि जो बाइक लेना था हमको उसमें वो वाला कलर अवेलेबल नहीं है अभी इस टाइम, तो कहें कि 1-2 दिन में हमको आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हम कहें अच्छा ठीक है, तो आज तो खैर नहीं हो पाया, आज तो जा रहे हैं घर पे, और आते हैं कभी, अब देखो कल या परसों जब भी आते हैं तो क्या करेंगे कि मतलब जो बाइक है वो बाइक हम ले लेंगे, और हम बताएंगे नहीं आप लोग से, आप खुद गेस करो कि हम किस बाइक के लिए गए थे, कौन सा बाइक मतलब हम चूज़ किए हैं। देखते हैं आप लोग गेस कर लेते हो कि नहीं, क्योंकि वीडियो में दिखाया कुछ और है, लेंगे कुछ और, लेकिन हाँ TVS कंपनी का ही लेंगे। तब तक आप गेस करो कि कौन सा कंपनी का लिए हैं हम, या सॉरी कौन सा बाइक लेंगे। TVS का ही लेंगे, कंपनी TVS का ही है, लेकिन तब तक आप गेस करो कि कौन सा बाइक लेंगे हम। यही तो है यार, कल से इतना ज़्यादा ट्रैवल कर दिया, आप मानोगे नहीं, कल से 400 का तेल डाल दिया भाई बाइक में, और पता नहीं क्या हो जा रहा है भाई, इतना ट्रैवल कर रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा खुद। अभी तक YouTube से पेमेंट नहीं आया है, लेकिन फिर भी अभी जो हम कर रहे हैं अपने ही पास से ही सब लगा करना पड़ रहा है। और ये नहीं है कि वीडियो, देखो हम क्या करते हैं ना, जब जाते हैं वीडियो शूट करने हैं तो आदमी शूट करने तो जाता ही है, लेकिन हर चीज़ आदमी नहीं ना YouTube पे डाल देगा। देखते हैं भाई, अब वो मेरे को ही जब उस वीडियो में मज़ा नहीं आता कि हमको लगता है नहीं यार ये डालेंगे तो ऑडियंस मेरी देखेगी नहीं, जो हमको ही नहीं सही लगता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उस वीडियो को नहीं डालते हैं। अभी ये उम्मीद करेंगे कि ये वाला जो गए थे भाई, ये वाला अभी आपको पसंद आया होगा कहीं ना कहीं से भी। अब देखो गए थे बाइक लेने लेकिन ले नहीं पाए। अब बात एक्चुअली सीन क्या है ना, उसको देखो फाइनेंस पे करके निकालेंगे, इन द सेंस कि मेरा ना गाइस देखो कोई यूट्यूब से अर्निंग अभी है नहीं, अभी जो है अभी घर वालों से ही कहें तो वो लोग कहें अच्छा ठीक है ले लिया जाएगा बाइक, तो इसी के लिए गए थे बाइक देखने, उसका वो बाइक निकालेंगे लेकर आएंगे। तो EMI भी भरना ज़रूरी है ना गाइस, ये तो है नहीं कि भाई आदमी यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं कि आदमी पैसे एक ही बार में दे दे और बाइक कैश उठा ले, तो ऐसा तो सीन है नहीं। तब तक इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करोगे तो चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, और जो बाइक मैं लेने के लिए सोच रहा हूँ या लेने के लिए गया था, अगर वो वाली बाइक को अगर आप गेस कर लेते हो कि कौन सी बाइक है, अगर वो बाइक आप लोग के पास हो तो मेरे को ज़रूर बता देना कि बाइक कैसा है कैसा नहीं है, मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो गाइस देखो क्या करते हैं ना, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बस अब गांव पहुंचने वाले हैं, रोड भी अब कुछ है नहीं है भाई जो दिखाते चले और बात करते चले, तो क्या करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं भाई ये वाला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो भाई एक लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भाई गेस ज़रूर करके बताना कि कौन सी बाइक लेने वाले हैं हम और कौन सी बाइक लेने गए थे हम। पैसे देखो कैश पैसे हम निकाल के लेकर गए थे गाइस, लेकिन जो बाइक लेने गए हैं वो बाइक की कलर ही नहीं था, और वो कलर नहीं था तो हम बिना कलर के लिए कैसे बाइक को ले लेंगे। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।